सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म तक हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते।